सभी सो के उठ गई है। सभी सो के उठी, उसका भाई भी सो के उठ गया है। आज मैंने सोचा चलो बाल खोल लेते हैं, बिकॉज बहुत सिल्की बाल हैं मेरे, तो आई थॉट कि क्यों ना खोल लिया जाए थोड़ा न्यू हेयर स्टाइल। एंड आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रही हूँ, बट दिस इज़ माई नेचुरल और रियल हेयर। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, आई मीन थे, बट मैंने ये कटवा दी अपने पिताश्री से, मेरे प्यारे पिताश्री से मैंने बाल कटवा के छोटे छोटे कर दिए हैं। और आज मैंने सोफे के सारे कवर धो डाले। अब सभी सो के उठी है, तो उससे मैं थोड़ा खाना खिलाऊंगी, मम्मा की क्लिप, थोड़ा खोपड़े में कुछ लगाएंगे, बाल बनाएंगे, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सभी इसको खाओ, कट्टी करो। जब इसका मन नहीं होता ना कुछ भी खाने का, तो पता क्या करती है, और ऐसे करेगी बस, हमारा पागल बनाएगी कि हाँ मैं खा रही हूँ, जैसे कि हमें तो पता ही ना हो मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। सभी से जय। गिव मी हाई फाइव। थैंक यू। सभी नानी कैसे करती है, ऐसे करती है, ये क्या है, कहाँ है ऊपर, और नानू कैसे करते हैं, नानू भी ऐसे करते हैं, नानी भी ऐसे करती है, सभी ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं। और आप कहाँ जा रही हो, भैया सो रहा है, भैया को नहीं उठाना, ठीक है, नो नो, आ गया आ गया आ गया आ गया। यार ये वो सोया रहता है, उसको उठा देती है, दिन में जब ये सोई रहती है तो वो रो रो के उठा देता है। हे भगवान, गेट क्लोज करो, क्लोज द डोर, क्लोज करो गेट, क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह। सभी एक बार गुस्सा कर दो, कर दे एक बार गुस्सा, कर दे एक बार गुस्सा, कर दे। अच्छा अभी कहाँ जाना है, ओले ओले ओले। ये मेरी बेटी के हैं सस्ते नशे, सस्ते नशे, सस्ते नशे, सस्ते नशे, सस्ते नशे। नानू कैसे करते हैं, नानू कैसे करते हैं, अरे सभी सोई सोई कर दो, सोई सोई करो, सोई सोई, सोई सोई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, नहीं जितने भी ये गेटों के ये देखती है ना छेद, जितने भी हमारे गेट हैं उनमें जो ये कुंडी लगाने के छेद हैं उनमें उंगली डालेगी और मट्टी निकालती रहेगी, क्या पता हम नहीं देखते तब खाती भी होगी, अब पता नहीं, देखोगी ये देखोगी ये देखो, पता नहीं क्या अलग ही इसके शौक है, वहाँ से मिट्टी निकाल के और देखती रहेगी क्या गिरा, फिर दोबारा डालेगी, फिर निकालेगी, फिर देखेगी क्या गिरा। ये देखो ये देखो ये देखो आप ये देखो, तेरे पापा जी ने नौकरानी लगा रखी है झाड़ू पोछे के लिए। हाँ जी भैया उठ जाएगा, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, भैया उठ जाएगा, भैया उठ जाएगा, भैया उठ जाएगा, भैया उठ जाएगा। ये देखो इसने अपने यहाँ पे नाक पे नाखून मार के चोट लगा रखी है, क्या करूँ मैं इसका, क्या ही करूँ, कभी घुटना फोड़ लेती है, कभी नाक फोड़ लेती है। इसको देखो जरा, इसको देखा जरा, इसका देखा, इसका देखा, इसका ये स्माइल देख रहा है, लड़के की स्माइल, ये लड़का बस मुझे देख के हंसता रहेगा, ये भी मेरे को देख के हंसता रहेगा, इसका बाप भी मेरे को देख के हंसता रहेगा, मैं कोई जोकर हूँ क्या।
आ जाओ मैडम जी, हो गए होंगे आपके सस्ते नशे तो, आ जाओ आपके सस्ते नशे हो गए हो तो। चलो यार उस कमरे में बैठते हैं थोड़ी देर, इस कमरे की लाइट जला देती हूँ मैं बाबा के लिए, वरना तो कन्हैया जी अंधेरे में कैसे रहेंगे। वो देखो अच्छा देख रही हूँ मैं। गेट बंद करना पड़ेगा वरना तो वो क्या बोलते हैं, क्लोज द डोर। वो अपना पैसिफायर ढूंढने गई है उस कमरे में, उसे पैसिफायर मिलेगा ही नहीं। आ गया बाबा आ गया। थोड़ी देर टीवी देखेंगे, आ जाओ। ये लो डैडी का मम्मम पी लो, ये लो ये लो। बस दिन रात में यही करती रहूंगी, कभी इसका वो उठा के रखूंगी इधर, कभी उसका उठा के रखूंगी। ये भाई साहब जी बीच रास्ते में पता नहीं क्यों जाम लगा के बैठे हैं। ट्रैफिक लगाना है क्या शिव आपको? शिव ट्रैफिक लग जाएगा बेटा। उल्टा रिमोट चलाते देखा आपने कभी किसी को दुनिया में? ये देखो आपको सब मिलेगा यहाँ, आपको सब मिलेगा इस व्लॉग में, आपको दस जाकर करके व्लॉग में सब कुछ मिलेगा हैपनिंग होते हुए, जो कभी होता ही नहीं होगा दुनिया में। थोड़ी देर टीवी देख लिया जाए। यार पता है मेरे यहाँ पर ना ये डॉग है, मेरी मम्मी ने ना मुझे मारा था बचपन में, नॉट बचपन में बड़े होके इसलिए मारा था, पता नहीं शौक है मैं मार रही आज भी वो मारने का मौका ढूंढती रहती है, क्या पता अभी 6:30 बजे आके मारे कुछ ना कुछ बहाने से। एक इसका बाप है कोरियन वेब सीरीज देखता है, एक ये है पता नहीं कौन से गाने सुन रही है। दोनों बाप बेटी भैया एक जैसे हैं, एक कोरियन वेब सीरीज देखते रहेंगे, एक ये पता नहीं क्या देखती रहेगी। अब इसने पता नहीं क्या लगा दिया, ये खुद ही लगाने पे लगी हुई है, कभी न्यूज कभी कोरियन सॉन्ग। एंड दिस इज मी दीदी का वो आया मैसेज कि मैं तो कि देखो कितने मैसेज करे, मैंने कहा मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं चलाती नहीं व्हाट्सएप व्हाट्सएप, अब करेगी तब देखूंगी। शिव उसको देखो, डायन को आज मैंने उसे ऐसे कपड़े पहना रखे। शिव नहीं गिर जाओगी, हमेशा उल्टे काम रहते हैं इसके। किसने सुसु कर दिया सभी? का करा पता नहीं, अगर मैं आपको भेजू खतरों के खिलाड़ी में तो है? सबसे खतरनाक स्टंट कौन सा होगा, पानी वाला या सांप वाला? मेरे लिए दोनों है, मैं जा सकती हूँ ना, मैं सांप में जा सकती हूँ, मेरे को दोनों से डर लगता है। अतः बल में उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की तो नहीं, इसमें कोई सांप है तो पानी से और सांप जाके वहाँ सबसे ज्यादा होता है वहाँ। जोंक से नहीं डरती मैं, जोंक होती है ना हमारे गाँव में, उससे नहीं डरती मैं, उसको तो मैं यूँ पकड़ के चाहे। और रिक तो भालू से तो कौन ही डरेगा यार कैसे डर जाओगे, कैसी बातें कर रही है? पापा तो नहीं डरते, पापा नहीं डरते हैं, और पापा ने तो भालू वो मारा भी है, बाघ है मम्मी, पापा ने तो बाघ भी मारा है। कब मारा बाघ? पापा ने बता रहे दादी जी के साथ, तो सूंगर मारा। हाँ सूंगर। ये लड़की को देखो जरा, ये लड़की खतरनाक हो चुकी है।
ये देखना इसने क्या कर रखा है, ये देख रहे हो, ये इसकी हालत देख रहे हो, ये सब। और कहाँ बैठ के देखो भैया को खिला रही है, मैं देख रही हूँ खतरा 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 है। क्या होगा मेरा, बस दिन रात इन्हें सही करने पे लगी रहती हूँ मैं और कुछ नहीं कर पाती हूँ। विक्की आने वाले होंगे और जैसे ही वो आके देखेंगे, वाह क्या सजावट करी है मेरे लिए, वाह। मैं सोच रही हूँ कहीं पे ना फोन रख दूँ और कुछ ना रिकॉर्ड करूँ, कुछ बोलूँ उससे, ऐसे कुछ प्रैंक व्रैंक। आज नहीं कल करूँगी, या मे बी आज करूँ, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है देखो, पहले फ़ोन करो को, पहले मुझे फ़ोन की जगह ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने अभी कभी ऐसे करा नहीं है फ़ोन रख के ना, तो मेरे पास जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये देखो अब यहाँ से कूद देगी। ये देख रहे हो उसको, सभी सबको फ्लैंक किस करो। अरे वाह तोतली ने फ्लैंक किस करी, एक बार फिर से करना फ्लैंक किस, वन मोर। खाती हूँ मैं आज अपने यहाँ का साई मंदिर, साई भवन। मैं यहाँ बहुत पहले आती थी, एक बार विक्की भी आई थी, आपको याद है विक्की आप साई मंदिर आए थे? हाँ एक बार विक्की भी आए थे मेरे साथ। पहले लड़का बहुत अच्छा था यार, जो मैं कहती थी सारी बात मानता था। अब पकड़ रखा है भाई साहब की, देखो कैसे जा रहे हैं, कतई मेरे को वो बना रखा है। देखो ये साई मंदिर है, ये साई बाबा। एक्चुअली हम लोग इधर आ रहे हैं, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके रिगार्डिंग हम रिसर्च करने आए हैं। लेट्स सी, यहाँ भी एक सोसाइटी है। ये देखो पता नहीं कब आती थी मैं यहाँ बहुत पहले, अभी ऐसा हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको हमारा प्रताप विहार कैसा दिखता है। अरे मेरे, ये है संतोष मेडिकल के हॉस्टल्स, इधर है हमारा पता नहीं क्या बोलता है, चाय जी है क्या है पता नहीं। ये विक्की है, कस्मे देने के बाद इन्होंने जो है छाता पकड़ा है, अदरवाइज बंदा छाता नहीं पकड़ रहा था। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं सुपर एमआईजी व्यू देखने के लिए, बस ऐसे ही कि कितना स्पेस है। अगर वहाँ पे कोई घर बन रहा होगा ना तो मैं अंदर घुस जाऊँगी देखने के लिए कि कैसे कैसा है। मेरे हस्बैंड तो शर्माते हैं, मेरे हस्बैंड जो है वो शर्माते हैं, बट मैं नहीं शर्माती। तो हम लोग देखेंगे आज क्या स्पेस है, जो फोटोज़ में दिखता है क्या वो रियल में भी है। वैसे तो हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं सुपर एमआईजी में, बट किसी के घर जाना और रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, किसी को डिस्टर्ब करना। तो इसीलिए प्रे करना हमारे लिए कि हमें कोई एक एमआईजी मिल जाए जो बन रहा हो कंस्ट्रक्शन। एक लास्ट टाइम देखा था हमने, पर विक्की घुस ही नहीं पाए अंदर, बेइज्जती करके भगा दिया।